हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन नवा स्टडीज़। तो आज के इस वीडियो में कुछ बताने वाला आपको कि फ्लिपकार्ट के थ्रू जो यहाँ पर आपके लिए एक कैरियर अपॉर्चुनिटी रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी फ्लिपकार्ट आप जानते हैं, इसमें बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग, शॉपिंग वगैरह जो भी है वो सारे यहाँ पर होते रहते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू अभी आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी आपको कैसे क्या करने होते हैं, क्या करने पड़ेंगे, किस तरीके से क्या किस टाइप का आपको यहाँ पर एक कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो बताऊँगा, सारी के सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। तो हाँ, तो आप जो है फ्लिपकार्ट के बारे में आपने सुना ही है, ठीक है। अभी बात ठीक है, अभी मैंने जो क्या किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, जो लिंक ओपन करते ही आप इस पेज पर ओपन हो जाएंगे। तो जब भी आप इस पेज पर ओपन हो जाते हैं तो आपको जो है फ्लिपकार्ट का जो कैरियर अपॉर्चुनिटी का पेज है वो मैं ओपन करके यहाँ पर सीधा लिंक उसका शेयर किया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको क्या करनी है, बस ये एक पोस्ट है जो यहाँ पर इंटर्न का पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में आपको अच्छे से पूरा बता दी गई है। फ्लिपकार्ट इंडियन लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, जो जहाँ पर ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये 150 मिलियन से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इससे क्या करते हैं, बाइंग सेलिंग सेलर्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें करते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं इसमें। ओके, स्मार्टफोन, बुक्स, अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर बिकती हैं इस फ्लिपकार्ट के थ्रू। बुक्स हुआ, मीडिया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, फैशंस, लाइफस्टाइल रिलेटेड जो क्लोथ्स कपड़े हुए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और जो लॉन्च वगैरह होती है, ये लॉन्च कभी हुआ था, 2007 में हुई थी अक्टूबर में। और ये इसका सर्विस कैश ऑन डिलीवरी से स्टार्ट हुआ था, नो कॉस्ट EMI, 10 डेज रिप्लेसमेंट वगैरह सब, ये सारी पॉलिसीज इसकी थी। 65 सिटीज़ में थी इसका गारंटी के साथ में पूरा सारी चीज़। ओके, तो ठीक है, अभी आपको इसके अबाउट, फ्लिपकार्ट के अबाउट, ओके फ्लिपकार्ट का ये अबाउट था कुछ, उसके बारे में मैंने बताया थोड़ा सा। जॉब डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ये जो पोस्ट है ना इंटर्न का, वो और एक ही पोजीशन ओपन है आपके लिए। स्किल्स आपको रिक्वायरमेंट है डाटा एनालिसिस का, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सलेंट कम्युनिकेशंस होनी चाहिए आपको। तो ये अगर स्किल्स आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। ये लोकेशन है बेंगलोर कर्नाटका में, ये लोकेशन देख सकते हैं। अभी आपको सीधा आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जब भी आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देते हो, आपको रिज्यूम चाहिए अप्लाई करने के लिए, अपलोड रिज्यूम। तो आपको रिज्यूम में क्या रहेगा, आपका सारे डिटेल्स रहेंगे कि आपने क्या किया है, कब से क्या करते थे, क्या एक्सपीरियंस बताना है, बस उसके रिलेटेड आपको इसमें एक डॉक्यूमेंट्स फाइल रहेगा, उसे आपको अपलोड कर देना होगा। फिर आपका नाम, जो गवर्नमेंटली आपका किसी गवर्नमेंटली प्रूफ होगा आपके पास कोई, तो वो उस पर जो नाम होगा वो एग्जैक्टली नाम यहाँ पर भी चाहिए। नेम और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और टोटल एक्सपीरियंस कितना ईयर का है वो बताने होंगे, जेंडर क्या है आपका, और यहाँ पे करंट लोकेशन क्या है वो बता देंगे आपकी। एंड आपको टिक करनी है आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देनी है, फिर आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वैसे भी लिंक मैंने दे रखी है, आपको क्लिक करके इस पर फरा करके जितने भी सारे प्रोसेस है उसे अप्लाई करना होगा और आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें थी और बहुत इजी है। अगर और भी इस फ्लिपकार्ट के बारे में जानना चाहते हैं, अबाउट फ्लिपकार्ट पर क्लिक करके इसके बारे में की चीज़ें जान सकते हैं, लेवर मार्केट, ओके क्या क्या है, क्या करते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं, एक्सपीरियमेंटल लर्न एंड ग्रोथ कैसे करनी होती है, वर्क विद द बेस्ट सेलर कैसे किस तरीके से सारी चीज़ें है, क्या क्या ध्यान रखना होता है, वैल्यूज़ क्या है, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको सारी मैंने बता दी हैं। किसी भी चीज़ में अगर डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का लिंक है, इस पेज पर आ करके आपको भी सारी चीज़ें करनी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।